देवता कनखल जा रहे हैं। कनखल? हाँ, आपके पिता दक्ष प्रजापति एक महायज्ञ कर रहे हैं। आपको निमंत्रण नहीं दिया? नहीं, हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। आश्चर्य, पिता ने पुत्री को याद नहीं किया, जवाई का मान नहीं रखा। मान कैसे रखेंगे, हमारा अपमान करने के लिए ही तो प्रजापति ने ये यज्ञ रचाया। अच्छा भगवान, आज्ञा हो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ, आपको तो अवश्य निमंत्रण मिला। अवश्य जाइए। नारायण नारायण। स्वामी, हम भी चले। कहाँ? प्रजापति दक्ष के यज्ञ में? हाँ। बिना बुलाए, बिना निमंत्रण? पिता की यहाँ जाने में निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, जबकि ये यज्ञ मेरे विरोध में, मेरा अपमान करने के लिए किया जा रहा है। मैं जानती हूँ और इसीलिए जाना चाहती हूँ कि मेरे पति का निरादर करने का साहस मेरे पिता ने कैसे किया। जाना उचित नहीं होगा देवी। उचित अनुचित का निर्णय यज्ञ की वेदी में होगा। मुझे जाने दीजिए भगवान। जब तुमने जाने की ठान ली है तो जाओ। नंदेश्वर, तुम भी देवी के साथ जाओ। जो आ गया प्रभु। आशीर्वाहो राजन।
प्रजापति, तुमने कैलाशपति को निमंत्रण न भेजकर ठीक नहीं किया। उस सब देवों में बड़े महादेव हैं। होंगे, हम उसे महादेव नहीं मानते। आहा, दक्षराज, तुम मानो या न मानो, कैलाशपति तुम्हारे जवाई हैं। जवाई? ब्रह्मदेव, वो हमारी बेटी सती की भूल का परिणाम था। प्रजापति की जयकार हो। महाराज, आपकी पुत्री सती कंकल में आ गई है। क्यों? सुना है यज्ञ में भाग लेने के लिए। नहीं, कभी नहीं। सती यज्ञ में कभी भाग लेने नहीं आ सकती। कभी नहीं आ सकती। क्या हो? सती नंदी पर सवार होकर महलों की सीमा में आ गई। प्रजापति की जय हो। देवी सती यज्ञ मंडप में पधार रही है। यज्ञ में आ गई। नारायण नारायण। क्या सास उसका हो गया? पति भी है? नहीं, मैं अकेली आई। अच्छा हुआ तुम अकेली आई। आओ बेटी, यहाँ आओ। देखा ब्रह्मदेव, उस भंगेड़ी ने क्या हालत कर दी मेरी बेटी। मैं जानता ही था कि एक दिन पुत्री पिता के घर वापस आ ही जाएगी। मैं पुत्री के नाते नहीं, कैलाशपति की पत्नी बनकर आई हूँ। बिना बुलाए पिता के घर पुत्री आ सकती है? किसी की पत्नी नहीं। मैं यज्ञ की शोभा बढ़ाने नहीं आई। तो अब भी उस मसानी का भूत तेरे सर से उतरा नहीं है? भूत? भोलेनाथ की दासी बनकर मुझे जो गौरव प्राप्त हुआ है, वो त्रिभुवन की किसी कन्या को नहीं मिला होगा। पितृ विद्रोहिणी, अगर तू उस अघोरे की, उस भूतनाथ की भरी सभा में प्रशंसा करने आई है, तो तुझे आने के लिए पछताना होगा। पछताना मुझे नहीं, आपको होगा। मैं कैलाशपति की प्रतिनिधि बनकर आपसे पूछने आई हूँ, मेरे पतिदेव का निरादर करने का दुशाल आपको कैसे हुआ? कैलाशपति? कैलाश के पहाड़ों पर नंग धड़ंग धुनी रमाने वाला वह दरिद्री तुम्हारा परमेश्वर हो सकता है? हमारे लिए वो भस्म भूत मलकर सबको ठगने वाला एक ढोंगी भिखारी है, जिसने एक लुटेरे की तरह। चुप रहो सती। अहंकार और अभिमान में चूर प्रजापति। बस कर, द्रोही लड़की, मैं तेरा पिता हूँ। यही मेरा दुर्भाग्य है, वरना अपने विश्वनाथ की शान में दुर्वचन बोलने वाला दम्भी कब का धूल में मिल चुका होता। नादान लड़की, भूतनाथ भिखारी की पत्नी तो मुझे धूल में मिलाने का गुमान लेकर आई है। नहीं, मैं आपको महारुद्र के कोप से बचाने आई हूँ। महारुद्र का कोप? वो शमशान वासी अपनी गरज से शमशान के भूतों को डरा सकता है, दक्ष को नहीं। निर्लज्ज कलंकनी, चली जा यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, अपने पति परमेश्वर का अपमान का सामना करने आई हूँ। सामना करने की शक्ति थी तो वो भंगेरी खुद क्यों नहीं आया? स्त्री को भेजते हुए शर्म नहीं आई? उन्होंने स्त्री को नहीं, अपनी शक्ति को भेजा है। सती शिव है और शिव ही सती है। तुम भी प्रजापति, आप महारुद्र का अपमान करके अपने अमंगल को बुला रहे हैं। अमंगल? दक्ष प्रजापति का अमंगल कौन कर सकता है? त्रिनेत्रधारी शिव शंकर, प्रलयकारी के हाथों अपने विनाश से बचना चाहते हैं तो महामृत्युंजय के चरणों के सामने झुककर क्षमा मांगे। मैं प्रजापति दक्ष उस भूखे नंगे भिखारी से क्षमा मांगू, उस अघोरी भूतनाथ से क्षमा मांगू, शमशान में डमरू बजाकर नाचने वाले बबूतधारी नटर से क्षमा मांगू, उस दरिद्री से। बस कीजिए, अगर आप मेरे पिता न होते तो अपने पति के इस अपमान के लिए मैं आपको इसी वक्त जलाकर भस्म कर देती। देखता हूँ मुनि ऋषियों, मैं पुत्री के नाते पिता का विलास नहीं कर सकती तो अपने पति का अपमान भी नहीं सुन सकती। इन जैसे शिव द्रोही से मिले हुए इस शरीर को, इस प्राण को रखना भी पाप है, और इसीलिए महाशिव का अपमान करने के लिए, मेरे पति देव का निरादर करने के लिए रखे हुए इस यज्ञ कुंड में पहली आहुति सती के शरीर की होगी। महाशक्ति मेरे हृदय में दहकते हुए ज्वालामुखी को अब कोई नहीं शांत कर सकता। ये यज्ञ कुंड में धड़कती हुई ज्वालाएं, मैं भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी तुम्हारा आवाहन करती हूँ। हे अग्नि देवता, मैं साक्षात स्वरूप में तुम्हें आज्ञा देती हूँ, आओ आओ
अपनी लपटों से इस शरीर को जलाकर भस्म कर दो, भस्म कर दो, भस्म कर दो अग्निदेव, भस्म कर दो। विरह में सती के
व्याकुल व्यथित हो चले भोले शंकर जाने कहाँ मधुर कल्पना को हृदय से हटाते चले भोले शंकर ना जाने कहाँ बिलखता है नंदी बिलखता है श्रृंगी बिलखता है व्याकुल विषधर बिचारा कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ स्वामी हमारा नहीं कोई दूजा सहारा कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना हम चले भोले शंकर न जाने कहाँ न शुद्ध बुद्ध है तन में न है चैन मन में अनजान पथ पे बढ़े जा रहे हैं प्रिया के वियोग में हो बावरा सा कठिन दुख के आंसू पिए जा रहे हैं गिरते संभलते बढ़ाते हुए पग चले भोले शंकर न जाने कहाँ है तड़प रहे शिव सती बिना हाय विरह में तन मन क्षीण हुए विकराल सने की आंधी में शिव शंकर प्रिया विहीन हुए अंतर की धधकती ज्वाला को वैराग के रंग में घोल दिए अनुराग के बंधन तोड़े अनंत समाधि में शिव लीन हुए ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः इतराज तारकासुर ब्रह्मदेव तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं तारक मांगो मांगो हमसे क्या मांगते हो ब्रह्मदेव आपने दो बार मांगो मांगो कहा है इसलिए मैं दो वरदान पाने का अधिकारी हो गया जैसी तुम्हारी इच्छा पहला वरदान पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोक पर मेरी विजय हो तथास्तु दूसरा वरदान मैं अमर रहूं मेरी कभी मृत्यु ना हो जन्म और मरण मृत्यु लोक के नियम है अपने अटल विधान को हम अपने ही हाथों नहीं तोड़ सकते फिर भी हम तुम्हें इतना अधिकार देते हैं कि तुम मन चाही मौत मांग लो मन चाही मौत ब्रह्मदेव अगर मेरी मृत्यु भी हो तो केवल महाकाल के पुत्र के हाथों तथास्तु अब मैं अमर हो गया मुझे कोई नहीं मार सकता Bye.
असुरराज तारस तुम्हारी जय हो। प्रणाम मुनिवर। कल्याण। कहिए देवताओं का क्या हाल है? अजी कुछ पूछिए मत, आपकी होने वाली विजय के भय से थर थर कांप रहे हैं बेचारे। हजारों साल से स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाते हुए देवताओं को बड़ा अभिमान हो गया है महाराज। हम उनके अभिमान को चूर चूर कर देंगे, त्रिलोक पर विजय पाकर स्वर्ग को अपने पैरों से ड्रोन डालेंगे। महाराज की जय हो। ये महाराज तारकासुर के बजाय स्वर्ग अधिपति की जय जयकार कर रहे थे। महाराज स्वर्ग के महाराज की जय जयकार? तो क्या आप स्वर्गाधिपति नहीं हैं? जौकुंभ। हाँ महाराज, ये तो आप ही की जय जयकार हुई। अरे महापति मरला, क्षमा कीजिएगा, ये सब तो मूर्ख है। और आप मूर्खों के सरदार। तो है। अच्छा ये बतलाइए कुंभक जी कि इन देवताओं को बंदी तो बना लिया है, अब इन्हें रखना कहाँ है? इन देवताओं को महाराज इन्हें स्वर्ग से भगा दीजिए। स्वर्ग से भगा दीजिए? अगर बाहर जाकर इन्होंने विद्रोह कर दिया तो? महाराज आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, ये क्या विद्रोह करेंगे? ना पृथ्वी पे जा सकेंगे ना स्वर्ग में आ सकेंगे, बीचों बीच आकाश में अधर लटकते हुए आपके नाम की माला जपते। अति सुंदर। कुंभक महाराज इन्हें स्वर्ग से भगा दो। नारायण नारायण। चलो निकल जाओ। आगे हम वरदान से देवताओं पर जो संकट आया है उसका निवारण हम करेंगे। तारक के अत्याचार और अधर्म से संसार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। परंतु ये कैसे होगा ब्रह्मदेव, तारक तो अमर हो गया। नहीं, तारक की मौत निश्चित है, कैलाशपति शंकर के पुत्र के हाथों। परंतु पुत्र होगा कैसे, सती तो दक्ष यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। सृष्टि की रक्षा के लिए सती को पुनर्जन्म धारण करना होगा। ब्रह्मा जी के ब्रह्म योग से रमा हुआ शिव अंग में, सती के तन का भस्म चला नूतन नई उमंग में। रानी के जीवन में समाया वन जीवन का प्यार ने, लिया सती ने पार्वती के रूप में फिर अवतार रे। धरती हिमालय की हुई पावन चहु दिश्यानंद छाया, शोक समुद्र में डूबे हुए देवों का मन हर्षाया। लगा डूबने पाप और अभिमान जब संसार रे, आई जग जननी तब बन के जग की तारन हार रे। बावरी बार बार उन पर्वतों की ओर किसे निहारती रहती हो? वहाँ कोई नहीं है तुम्हारे लायक पर्वत कुमारी। उस कैलाश का राजा तो गले में सांप, हाथ में त्रिशूल और बदन पे भभूत लगाने वाला भस्मधारी भूतनाथ है। गले में सांप, बदन में भस्म, हाथ में त्रिशूल, बस वही तो है। वही वही कौन जो दिन रात कैलाश के ओर से मेरे सपनों में आते हैं, जिनकी झलक इन नैनों में समा गई है।
चीख रहा है? मेरा हाथ, मेरा हाथ। नारायण नारायण, मुनिवर मेरा हाथ तोड़ दिया और ऊपर मेरा। अरे कुंभक जी, आप यहाँ? मुनिवर आप डाल डाल तो हम पात पात। नारायण नारायण, कमर टूट गई। कमर टूट गई? अभी तो सिर्फ कमर ही टूटी है मुनिवर, लेकिन महाराज को पता चल गया तो आपका यह सर भी चूमंतर हो जाएगा। नारायण नारायण। ऐसी क्या बात है कुंभक जी? बात तो कुछ भी नहीं है, बस नारायण नारायण कहते जाइए और असुरों की आंखों में मिर्ची झोंकते जाइए। क्यों, यही थी ना सती? सती कहाँ गई आपकी मती कुंभक जी? सती तो कब की जल के भस्म हो चुकी। तो फिर वो कौन थी जिसे कमल में रखकर शंकर जी की मूर्ति भेंट की थी? नारायण नारायण, अरे वो तो थी पार्वती, पर्वत राज हिमाचल की कन्या। अच्छा तो नमस्कार मुनिवर। नारायण नारायण। कुंभक जी, मेरी रीना और खरताल तो देते जाइए, इन्हें क्या करेंगे आप? मुनिवर महाराज को नारायण नारायण करके सुनाया करूंगा। नारायण नारायण। मुनिवर मुनिवर, आपकी वीणा ले लीजिए, मुझे नहीं बजानी। नारायण नारायण, बस बजा चुके वीणा। पुजारी चली पिया की बार, दरस किया अपने मन मन दुर के देवते, अटल अचल विश्वासी। प्रेम पुजारन चली पिया की बार, ढूंढ ली है दासी अपने मन पावन की मरतिया। बहुत दिनों से छुपे हुए गुरु अंतर के अभिलाषी। प्रेम पुजारन चली पिया की बार, प्रियतम का मुख देख हृदय में छाया है शयापार। देख रही थी जो सपना गा स्वप्न हुआ साकार। नैन दीवाने रूप सुहाने, मुर्खी मुर्खी प्यासी। प्रेम पुजारन चली पिया की बार, हे शिव शंकर हे गंगाधर, युग युग से मैं तुम्हारी पुजारन। पूजा करो स्वीकार, दूर न रखना इन चरणों से, यही मेरा संसार। सती, सती माता, अरे भज, ये तो सती माता है, पहचाना नहीं? पहचानता कैसे, मैंने तो माँ के दर्शन ही कहाँ किए थे। सती माँ, तुम सब कौन हो? हमारी सती माता हमें भूल गई। मैं सती नहीं, मैं तो पार्वती हूँ। नहीं माँ, तुम पार्वती नहीं सती हो, हमसे रूठ कर कहाँ चली गई थी माँ? तुम्हारे हाथों से भोजन किए बिना हमारा मुंह सूख रहा है। भगवान के गले का बिस्तर माता के हाथों के दूध बिना सूख गया है। कैलाश की ये शिलाएं माता के स्पर्श बिना सूनी और उदास हो गई हैं। हमें छोड़कर ना जाओ माँ, हमें छोड़कर ना जाओ माँ। माँ ना जाओ। मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगी, नागेंद्र को अपने हाथ से दूध पिलाऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा आप मुझे विदा कर दो। आप कहाँ जाएंगी माता? वहाँ मेरे पिता पर्वतराज हिमाचल के महल में, मेरी माता मुझे महल में न देखकर व्याकुल हो रही होगी। पता चला? नहीं महारानी जी, नदी के किनारे सरोवर के घाट कहीं भी पार्वती का पता नहीं चला। दिन रात साथ रहते हुए भी तुम्हें पता नहीं कि कहाँ चली गई?
गई थी, बोलती क्यों नहीं? पूजा का सामान? किसकी पूजा करने गई थी? रेवती मालती, आगे को ख्याल रहे, ये कहीं भी जाए तो मुझे खबर कर देना। त्रिलोक विजय तारक राज की जय हो। मुनिराज असरेश्वर, ये पर्वत राज की कन्या पार्वती वही सती है? सती, पार्वती, पार्वती, सती। महाराज और मदिरा ना पीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि तारक और नारद एक ही हैं। तो क्या वो एक नहीं है? यदि आप एक समझते हैं तो एक ही है। देखा महाराज देखा, मुनिवर कैसी गोल गोल बातें बनाकर हमें चक्कर में डाल रहे हैं। अच्छा ये तो बताइए मुनिवर, यदि पार्वती सती नहीं है तो आपने उसे शंकर की रट क्यों लगा दी? क्यों लगा दी? मैं बताऊं महाराज, इसलिए कि पार्वती का शंकर से विवाह हो जाए, शंकर के पुत्र हो जाए और हमारे महाराज का सर्व नारायण नारायण, सर्वनाश हो हमारे दुश्मनों का। और कहीं उसने शंकर से विवाह कर लिया तो? कैसे हो सकता है, इतने बड़े पर्वतराज अपनी पुत्री का विवाह शमशान में धूनी रमाने वाले त्यागी बैरागी के साथ कैसे कर देंगे? और किसके साथ करेंगे? आपके साथ भी हो सकता है। हमारे साथ? अवश्य, ऐसे महाबली महाप्रतापी त्रिलोक पति को भला कौन पिता अपनी पुत्री देने से इनकार कर सकता है। पूर्णिमा का चांद खिल उठा, परंतु माता अभी तक नहीं आई। आएगी, अवश्य आएगी। आएंगे, जल्दी करो सुनंदा मालती, नंदी वीरभद्र श्रृंगी भिंगी सब मेरी राह देखते हो। पर मेरी बात तो सुनो, बात पीछे सुनाना। आज मैं तुम्हें अपने प्रभु के दर्शन कराऊंगी, उससे पहले महारानी जी के कहीं दर्शन हो गए ताप तो क्या होगा। कहाँ चली, ये सब क्या है? मुझे जाने दो अपने प्रभु के पास। कौन प्रभु? प्रभु राजकुमारी जी, सब बाहर चली आओ। जा रे बादल।
लुटा के आई है। अब माँ नहीं आएगी। माँ नहीं आएगी तो हम चलेंगे। चलो 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 के सेवक है। यहाँ क्या है? माता पार्वती से मिलने आए हैं। जाओ जाओ, पार्वती से मिलने आए हैं। भीख मंगे कहीं से? भीख मंगे, भीख मंगे। हरिये राज राजेश्वर, धन्य भाग। प्रणाम मुनिवर, कल्याण हो। नारायण। आज्ञा कीजिए अश्रेश्वर। पर्वतराज, अश्रेश्वर आपके सामने विवाह का प्रस्ताव लाए हैं माँ भगवती के साथ। माँ भगवती? हाँ, माँ भगवती तो सारे संसार की माँ है, इनकी भी, मेरी भी, आपकी भी। मुनिवर, महाराज अब मैं ही बता देता हूँ। पर्वतराज, महाराज तारकासुर आपकी कन्या पार्वती से विवाह करके आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते। क्या सोच रहे हैं पर्वतराज? क्या आपको बात यह है कि कन्या को भी पसंद है या नहीं? हाँ मुनिवर। कन्या की क्या पसंदगी, बात को स्वीकार होना चाहिए। हाँ ये भी ठीक। तो क्या आप इस विवाह को योग्य समझते हैं मुनिवर? क्यों नहीं, योग्य है भी और योग्य नहीं भी। नहीं भी? अर्थात ये कि योग्य नहीं है तो योग्य बनाया जा सकता है। क्यों कुंभक जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए महाराज, पार्वती तो आपको पसंद कर ही लेगी, परंतु आप भी तो पार्वती को देख लीजिए, शायद पसंद आए शायद ना आए। जरूर, हम पार्वती से जरूर मिलेंगे। मुनिवर, पर्वतराज
आप चिंता ना कीजिए, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। सुनंदा, इन्हें पार्वती के पास ले जाओ। तुम भी चलो नारद। नहीं नहीं महाराज, वहां शादी ब्याह के चक्कर में मुझ सन्यासी का भला क्या काम, अब तो विवाह के शुभ अवसर पर ही मिलेंगे। मुनिवर। नारायण नारायण, असुरेश्वर तारक राज की जय। पधारिए महाराज, पधारिए। देखिए देखिए महाराज, यही है पर्वतराज की सुंदर कन्या पार्वती। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये सुंदर है। सुंदर ही नहीं, महासुंदर, महासुंदर है महाराज। सुंदर? अरे ये तो काली है। काली ही नहीं, महाकाली, महाबक्षुरा। महाबक्षुरा? नहीं नहीं महाराज, ये तो अपूर्व सुंदरी है। महाराज जरा आंखें साफ करके देखिए कि आंखों में काला कचरा आ गया होगा। मुझे लू समझता है, ये महाकाली। महाराज बस मजाक हो चुका, बस करिए, नहीं तो पर्वत कन्या नाराज हो जाएगी। आइए आइए जरा नजदीक से चलकर देखिए तो सही, देखिए तो सही कितनी सुंदर है। ये सुंदर है? ये तो महाबदसूरत है। महाराज डर क्यों गए? अरे डर क्यों गए? अरे ये तो काली कमालिका। कमालिका कहाँ है महाराज? अरे ये तो भूतनी है भूतनी। अरे ये तो भूतनी है भूतनी। राक्षसी, राक्षसी। ये तारा को क्या हो गया? वो डर कर क्यों भाग गया? ये सब मेरे प्रभु की लीला। महाराज महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। देख, नारायण नारायण। त्रिलोकपति, आप अभी तक यहीं भटक रहे? भटके नहीं मुनिराज, अटक गए थे। अटक गए थे असुरेश्वर? मैं पूछता हूँ किस चक्कर में अटक गए थे मुनिराज? अच्छा अच्छा अच्छा, जंगल में मंगल मनाया जा रहा है। मंगल? मंगल हम क्या, मंगल तो वो भस्मधारी मना रहा है। यदि आप बुरा न माने तो मैं एक उपाय बताऊं असुरेश्वर। बताइए मुनिवर। यही कि अंग पर भस्म भूत रमा कर आप भी यही कहीं आसन जमा लीजिए। क्या मतलब? इनका मतलब मैं समझ गया महाराज। क्या समझ गया? ये मतलब है इनका कि आप शंकर का रूप धारण करके यही कहीं आसन जमा लीजिए। यदि कहीं वो पर्वतराज की बेटी भूले भटके यहाँ आ गई और उसने आपको अपना प्रेम देवता समझकर वरमाला पहना दी तो अपना बेड़ा पार। क्यों मुनिराज, यही था ना मतलब आपका? हा 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 हा, क्या खोपड़ी पाई है कुंभक जी। ठीक है, अगर बल से नहीं तो छल से हम उस सुंदरी को प्राप्त करेंगे। जय हो असुरेश्वर की, आप मायापति हैं, माया का जाल बिछा दीजिए, बस हो गया बेड़ा पार। नारायण नारायण। वाह वाह महाराज, कैलाश की उस शिखर और आपके बनाए हुए इस महायावी शिखर में कोई फर्क नहीं है। महाराज महाराज, अब झटपट शंकर का रूप धारण कर लीजिए, वो पर्वत सुंदरी लटक मटक करती आती ही होगी। क्यों कुंभक, है कुछ पर असल नकल में? बिल्कुल नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। चलो असल राज तारक की जय हो। चुप बैठ कर दे, इस वक्त मैं तारक नहीं शंकर। शंकर भूल गए? शंकर भूल गए? हाँ, बोल। कैलाशपति शिव शंकर की जय। बोलता हूँ, जय हो शंकर पति कैलाश की जय। नाग नाग, अरे महाराज एक बहुत बड़ी कमी रह गई। कमी रह गई? गले में विस्तर नाग की, नाग की। गले में विस्तर नाग? नाग का क्या काम है रे महाराज? बिना नाग का शंकर किस काम का, भांडा फूट जाएगा कह देता हूँ। अच्छा जाओ जाओ, ले आओ। ले अभी लाया। नाग देवता प्रणाम, शंकर भगवान ने आपको बुलाया है। भगवान भूतनाथ बोलता हूँ, इसको देखे तो मेरे बदन में फुरफुरी उठती है। महाराज ये बेचारा क्या करे? अरे कहीं इसने मुझे डस लिया तो? ये आपको क्या डसेगा, और अगर इसने भूल से डस भी लिया तो खुद ही मर जाएगा। अच्छा, अच्छा,
डाल दे, डाल दे। अच्छा अच्छा, संभाल के आप चलकर झटपट समाधि लगा लीजिए, पार्वती आती ही होगी। चलिए। अच्छा। किसका बेड़ा पार है? अरे मुनिवर, खेल बराबर जम रहा है ना। हाँ, जमेगा क्यों नहीं। मछली बराबर जाल में फंस गई है। क्यों मुनिवर, है ना? हाँ बिल्कुल फंस गई है। मुनिवर, मुनिवर, ये असली शंकर के पास दूसरी पार्वती कहाँ से आती? अजी हटाओगी, कोई होगी मायावणी? नहीं मुनिवर, नहीं। अपने शंकर वाली पार्वती तारिणी नहीं है? देखो तो सही, ये दोनों कैसा पूरस में डूबे हुए हैं। नहीं मुनिवर, नहीं। ये पार्वती नहीं, वो पार्वती। हाँ। ये पार्वती नहीं, नारायण नारायण। त्रिलोकपति, त्रिलोकपति। क्या है, क्या है महाराज? तो तुम कौन? तो आप कौन हैं? मैं शंकर हूँ। देवती नहीं, चित्रपति हूँ। नहीं तो कौन हो? आप अपने अपने रूप में आइए और देख लीजिए। अरे कुमार, महाराज, महाराज, तुम यहाँ? नहीं, उसे मुझे स्वीकार करना होगा। यह संभव है?
चले गए मेरे प्रभु? कहाँ चले गए आप? कहाँ चले गए? पर्वत तुम पार्वती पूछ रही करके बिनती, जटाओं में गंग धारे गले में भुजंग डारे, कहाँ गए कैलाशपति मेरे कहाँ गए कैलाशपति कैलाशपति। महादेवी जगदम्बे। मुनीश्वर कहाँ चले गए मेरे इष्टदेव? कैलाश को छोड़कर कहाँ चले गए कैलाशपति? कैलाश को छोड़कर कैलाशपति कहीं नहीं गए देवी। तो फिर कहाँ है वो? यहीं है, किंतु अब किसी प्रकार का माया मोह उन्हें विचलित नहीं कर सकता। महादेव के त्रिनेत्र से मदन भस्म हो गया और हम अपराधी की तरह देखते रह गए। ये हमारी भूल थी महादेवी। किंतु मेरी क्या भूल थी जो मेरी आत्मा का समर्पण ठुकराकर महेश्वर मुझे त्याग गए? ये आदिशक्ति की परीक्षा है। तपस्वी के हृदय को तपस्या और साधना से ही जीता जा सकता है देवी। तो रूठे हुए रुद्रदेव को रिझाने के लिए मैं क्या करूं? पंचाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करो। इस महामंत्र से महाशक्ति अवश्य महेश्वर को मना सकेगी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। सती कठिन तपस्या करने लगी पाने के लिए शिव शंकर को, गंगाधर को प्रलयंकर को। सती कठिन तपस्या करने लगी महल छोड़ सुख सभी त्याग के, बनी बन की बनवासनी
शिव चरणों में ध्यान लगाए हुई सती वैरागी कष्ट सह रही है अपार पाने के लिए शिव शंकर को अति कठिन तपस्या करने लगी शक्ति जगदम्बे भवानी जग जननी जग तारिणी नमः शिवाय की धुन में मगन वन शिव की अर्धांगिनी तप रही की ज्वाला में पाने के लिए शिव शंकर को कुंभक जी महाराज कुंभक सड़क पर तो कभी कोई आफत आती नहीं फिर ये हलचल कैसे महाराज महाराज सुना है कि जब कोई कठोर तप करता है तब सबसे पहले स्वर्ग का हिस्सा से डोल उठता है महाराज कौन कठोर तप कर रहा है पार्वती महाराज शंकर को पाने के लिए वो कठोर तप कर रही है पार्वती शंकर को पाने के लिए कभी नहीं वो शंकर को कभी नहीं पा सकेगी हम उसकी तपस्या में त्राहि त्राहि मचा देंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय देखा महाराज पार्वती तप के तेल में कैसी चमक रही है इसकी तपस्या जरूर सफल हो क्या सफल हो मैं इसे अभी भस्म के देता हूँ नहीं नहीं महाराज ऐसा मत करिएगा मैं तपस्वनी का तेज आपको ही नमस्कार कर दूँ चुप बैठ जाओ ओम नमः शिवाय 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 नारायण नारायण बिल्कुल आवाज नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहा ये मुनिवर यहाँ कैसे आ गए अरे कौन त्रिलोकपति कुंभक जी प्रणाम मुनिवर स्वर्ग छोड़कर धरती पर कैसे आ गए यूं ही मुनिवर क्या स्वर्ग में भूकंप आ गया ऐसा भूकंप मुनिवर ऐसा भूकंप के कुछ ना अच्छा ये तो बतलाइए महाराज ये पानी में कैसे भीग गए किसके संग होली खेली जा रही थी नहीं नहीं महाराज मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि पार्वती के संग होली चुप रहो चुप रहो चुप रहो मैं तो चुप रहूंगा महाराज लेकिन ये होली का रंग कैसे चुप रहेगा कोई बात नहीं त्रिलोकपति प्रेम में तो सदा होता ही रहता है कभी हार होती कभी जीत होती है आज हार हो गई है तो कल जीत भी हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल मुनिवर नारायण नारायण शिवाय ओम नमः शिवाय
आप कौन हैं? भिक्षुक। भिक्षुक? देवी को कुमारी कहो या सौभाग्यवती। तपस्विनी। तपस्विनी? ये कोमल बदन और इतनी कठिन तपस्या किस लिए? वो आपके जानने की बात नहीं है जोगीराज। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताओगी तो हम जान गए। जान गए? बड़ी दया आती है मुझे तुम पर। ये सुंदर रूप तप की ज्वाला में झुलसा रही हो किसके लिए? उस भगवतधारी भूतनाथ के लिए। तो बड़े पहुंचे हुए महात्मा है। मान गई ना? मृगलोचनी, कमल वदना, बस करो साधु, ये सब श्रृंगार भरे हुए संभव अपनी पत्नी के लिए संभाल के रखो। पत्नी है ही कहाँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो जोगीराज कुछ तो सोचो, कहाँ तुम्हारे कारे कजरारे मृगलोचन और कहाँ वो तीन आंखों वाला काला करू पंगेरी। बस बस, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आपको सुनना होगा अपनी भलाई के लिए, भुवन मोहिनी जिसके लिए तुम ऊंचे ऊंचे महल छोड़ रही हो उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी तक नहीं। तुम रहोगी कहाँ? मैं उनके चरणों में रहूंगी। चरणों में? चरण चरण करते हुए उनकी एक पत्नी सती तो भस्म हो गई। मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? वो सती मैं ही थी। और ये भी सुन लीजिए, अगर महेश ने मुझे इस जन्म में नहीं अपनाया तो उनकी मंगल मूर्ति मन में बसाकर मैं फिर अग्नि में प्रवेश करूंगी। पागल हो, किसने ये रंग चढ़ाया तुम पर? परमात्मा के लिए आप जाइए यहाँ से, अपनी राह पकड़िए। बड़ी अकेली हो। अकेले तो आप हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। आप जाइए यहाँ से। आप जाते नहीं? अच्छा अच्छा, मैं ही जाते। तपस्या के बाद आए तब भी मुझे छलने के लिए। शिवा, आखिर तुमने शिव को मोह बंधन में बांध ली, अपार है तुम्हारी शक्ति। नारायण नारायण। पधारिए पधारिए मुनिराज, आजकल तो आपके दर्शन ही नहीं होते, किस चक्कर में पड़े हैं? कुछ चक्कर में ही पड़ गया हूँ कुंभक जी। कैसा चक्कर मुनिराज? क्या बताऊं असरेश्वर, बोलूं तो मुश्किल, ना बोलूं तो मुश्किल, मैं तो बड़े धर्म संकट में फंस गया हूँ। अजी कुछ तो बताइए। बताना ही पड़ेगा। आपके लिए ये क्या है? निमंत्रण पत्रिका। निमंत्रण कैसा? विवाह का। किसका? आपके विवाह का? तब तो बुरीवर, अब ये तंबूरा करताल वगैरह सब छोड़। अरे आप भी क्या, हमारी ओर से भी बधाई मुनिराज। नहीं नहीं असरेश्वर, बधाई तो पर्वतराज हिमाचल को दीजिए। पार्वती का विवाह है। पार्वती का विवाह किससे? कैलाशपति महादेव से। महादेव से विवाह करके पर्वतराज ने हमारा मान किया है, हम सारे हिमाचल देश का विनाश कर देंगे। विनाश करने से पार्वती तो नहीं मिल जाएगी मुनिराज, और फिर क्या उपाय? हाँ उपाय है, आप लगन मंडप में पहुंच जाइए, हो सकता है पर्वतराज उस सर्पधारी धूनी रमाने वाले भूतनाथ को देखकर विवाह से ही इनकार दे। चले भोले बाबा हो, चले शंकर बाबा हो के बैल पे सवार करके अनोखा सिंगार। चले भोले बाबा ब्याह रचाने को, चले भोले बाबा ब्याह रचाने को। चले भोले बाबा हो, चले शंकर बाबा हो के बैल पे सवार करके अनोखा सिंगार। चले भोले बाबा ब्याह रचाने को, चले भोले बाबा ब्याह रचाने को। मरघट के
बबूत को लेकर सारे बदन लगाए, कानों में रुद्राक्ष का कुंडल जटा को मोर बनाए, मणिमाल के बदले गले में मणिमाल के बदले गले में विषधर को लटकाए, अपनी पार्वती को रे जाने को, अपनी पार्वती को रे जाने को। चले भोले बाबा, चले शंकर बाबा, होके बैल पे सवार करके अनोखा सिंगार, चले भोले बाबा बाहर चाहने को, चले भोले बाबा बाहर चाहने को। भक्ति की शक्ति के आगे आज गए शुहार, बनकर दुल्हा बड़े प्रेम से चले हिमाचल द्वार, भांति भांति के आए बराती भांति भांति के आए बराती, ले ले के उपहार शिवा छोटा संसार बसाने को, शिवा छोटा संसार बसाने को। चले भोले बाबा, चले शंकर बाबा, होके बैल पे सवार करके अनोखा सिंगार, चले भोले बाबा बाहर जाने को, चले भोले बाबा बाहर जाने को। पार्वती है मगन आज स्वागत की कर तैयारी, नाचत गावत धूम मचावत शिव आए ससुरारी, कितनी ही बारातें देखी कितनी ही बारातें देखी, ये बारात है न्यारी, आया वर बहु रहवा बियाने को, आया वर बहु रहवा बियाने को। चले भोले बाबा, चले शंकर बाबा, होके बैल पे सवार करके अनोखा सिंगार, चले भोले बाबा प्यार जाने को, चले भोले बाबा प्यार जाने को। चले भोले बाबा, चले शंकर बाबा, होके बैल पे सवार करके अनोखा सिंगार, चले भोले बाबा प्यार जाने को, चले भोले बाबा प्यार जाने को। आपने क्या किया? विधाता ने पार्वती को शिव के लिए गढ़ा है। मुनिराज, सारे अनर्थ की जड़ आप ही हैं, या आग आप ही नहीं लगाई है? क्या विधाता को मेरी ही बेटी के नसीब में ऐसा कठोर वर लिखना था? महारानी, ये क्या किया तुमने? द्वार पर आकर वर चला गया? चला नहीं गया, मैंने ही उसे निकाल दिया। माँ, तुमने ये क्या किया? क्या ये विवाह नहीं होगा? नहीं होगा बेटे, वो तेरे लायक नहीं। तो क्या मेरी गिरजा जन्मभर कुंवारी रहेगी? हाँ रहेगी, कुंवारी ही रहेगी। बेटी भारी नहीं है मुझे, जो मैं अपने ही हाथों से कुएं में धकेल दूं। द्रौपदी तारकासुर के होते हुए किसकी हिम्मत है जो पर्वतराज की कन्या से विवाह करे? द्रौपदी तारकासुर की जय हो। नारद, त्रिलोकपति, पर्वतराज से कह दो कि उस भभूत रमाने वाले भूतनाथ का विचार छोड़ दें। हाँ, सो तो छोड़ ही दिया है। ये आपका अहोभाग्य है पर्वतराज, कि त्रिलोकपति स्वयं आपकी कन्या की हाथ की मांग कर रहे हैं। क्यों नारद? अवश्य अवश्य त्रिलोकपति। बिल्कुल बिल्कुल महाराज।
क्या रहे हो पर्वतराज? सुंदर, पार्वती को हमारे पास लाओ, हम इसी मुहूर्त में विवाह करेंगे। जो आज्ञा महाराज। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाए तो इस पवित्र वेदी में जलती हुई अग्नि तुम्हारी चिता बन जाएगी। चिता? हमारी चिता बनने का साहस इस अग्नि को तो क्या साक्षात अग्निदेव को भी नहीं हो सकता। हम अमर हैं, अमर। पार्वती मान जाओ, हमारी रानी बनकर युग युग तक त्रोप पर राज्य करोगी। ना कभी सिराल के संगी बनी है, ना कभी बनेगी सीनी। कहा है तुम्हारा सिंह? बुलाओ अपने सिंह को, कहा छिप गया तुम्हारा सिंह? जमीन जन्मान पर साथ रखने का विश्वास देकर कहां चले गए मेरे प्रभु, कहां चले गए कैलाशपति? कैलाशपति। जो भी करे सारा संसार मुझ पर हंसा। लौट आओ कैलाशपति, लौट आओ मेरे प्रभु, लौट आओ मेरे प्रभु, लौट आओ। महाकाल आ जाओ, महाकाल आज मेरी लाज तुम्हारे पास है। हे शिव शंकर, शिव शंकर, अगर आपने आकर मुझे स्वीकार नहीं किया तो एक बार मैं आपकी अंतर यज्ञ मंडप में अपनी आहुति दे चुकी हूँ। आज फिर से इस विवाह मंडप में अपने आप को बलिदान कर दूंगी। जय श्री शंभु, जय कैलाशपति, जय भोलेनाथ। आते हैं काशी से होकर, हो हैं काशी से होकर, जाना है कैलाश रे। भर दे भगत मेरी खाली झोली, पूर्ण हो तेरी आस रे। आते हैं खाली, दे दे तू कुछ दान। बैरागी की झोली खाली, दे दे तू कुछ दान। मेरी इच्छा थोड़ी भिक्षा, तेरी इच्छा महान। दानी के द्वारे करते हैं प्रभु जी सदा निवास रे। भर दे भगत मेरी खाली झोली, पूरन हो तेरी आस रे। आते हैं, आते हैं काशी से होकर, जाना है कैलाश रे। भर दे भगत मेरी खाली झोली, पूरन हो तेरी आस रे। आते हैं तेरी जीत भरम तज, मान सके तो मान। आज है तेरी जीत भरम तज, मान सके तो मान। अंतर की आंखों से उसे पहचान रे पहचान। आज तेरे द्वारे आया है जिसकी तुझे तलाश रे। भर दे भगत मेरी खाली झोली, पूरन हो तेरी आस रे। आते हैं, आते हैं काशी से होकर, जाना है कैलाश रे। भर दे भगत मेरी खाली झोली, पूरन हो तेरी आस रे। आते हैं। ठीक है,
नारद, ये क्या नारद? नारद धन्य धन्य हो, एक बाल योगी के कहने में वरमाना, ये हमारा अपमान है। दीपक ने जन्म लिया, त्रिलोकपति के पुत्र ने जन्म लिया। त्रिलोकीनाथ क्या है? कैलाश पर बालक का जन्म हुआ है। बालक का जन्म? हाँ महाराज, कैलाशपति पिता बन गए हैं।
सुपुत्र हो गया, पार्वती मां बन गई, पार्वती मां बन गई। कैलाशपति के पुत्र के हाथों मेरी मौत, कैलाशपति के पुत्र के हाथों मेरी मौत, कैलाशपति के पुत्र के हाथों मेरी मौत। महारानी, हम उसको खत्म कर देंगे, पनपने से पहले ही हम उसको मिटा देंगे। सुमो निशुम, इसी समय कैलाश पर जाकर शंकर के पुत्र का विनाश कर दो। जो आज्ञा महाराज। बाहर कोई नहीं है? नंदी बिन्नी सब कहाँ चले गए? सबके सब मान सरोवर गए हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ माता जी। जल्दी चले आना, यहाँ कोई नहीं है। से निकली लेकर तरल तरंगे, हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे। लहर लहर लहराती लहरे, शीतल रस छलकाती लहरे, इठलाती इतराती गाती चली दया में मन रंगे। हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे। इधर तड़पता अंगारों पे एक कोमल सुकुमार, उधर वेग में बढ़ी आ रही गंगा जी की धार। होड़ लगी है आज यहाँ पे जीवन मौत के बीच, देखे किसकी हार होती है किसकी जीत। चली किसी का गर्व तोड़ने, जल में छुपी उमंगे। हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे। अग्नि की लपटों से उठाए अपनी गोद में बालक, रुन झुन चली गंगे माँ बन उसका प्रतिपालक। पार न कोई पाए दया की देवी है माँ गंगे। हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे, हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे। अरे ये क्या, ये पालना कैसे नदी में? चलो चलो देखेंगे, चल देखेंगे। महाराज की जय हो, आपके शत्रु का सदा के लिए विनाश हो गया त्रिलोकपति। शाबाश, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हो गया। नारायण नारायण, जय जगदम्बे। नमस्कार जगत माता, क्या आशीष भी नहीं मिलेगी मातेश्वरी? महामृत्युंजय, महाकाल की अर्धांगनी को इतना मोह, इतनी अधीरता। आप क्या केवल एक पुत्र की मां है? आप तो सारे जगत की माता हैं जगदम्बे, इतनी निराशा शोभा नहीं देती आपको। पुत्र शोक से विलगती मां के हृदय की कथा आप क्या जाने मुनिवर? आपने जीवन में ना किसी को पाया ना खोया। आपने भी क्या खोया है देवी? मुनिवर, महाकाल के कुल दीपक को कौन सा तूफान बुझा सकता है? वो अजर अमर है, अविनाशी है। जय जगदम्बे, जय कैलाशपति, नारायण नारायण। Thank you.
राजकुमार। शाबाश कमलाज, तुम बाण विद्या में बहुत निपुण हो गए। क्यों ना हो महाराज, क्यों ना हो, ये तो शेर के पूरे सवा शेर हैं। ऐसा सबूत ही पिता का नाम उज्जवल करता है। हम तुमसे बहुत खुश। ये सब कैलाशपति की दया है पिताजी। कैलाशपति, ये रचना तुम्हें कहाँ से लग गई? तुम त्रिलोकपति तारकासुर के पुत्र हो, तीनों लोग तुम्हारी दया के मोहताज। कमलाक्ष, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ठीक बना दिया। नहीं पिताजी, माँ ने मुझे भोलेनाथ के चरणों का भक्त बना दिया है। चुप, ठीक वाला। स्वामी, अब अगर तुमने कभी भोलेनाथ का नाम लिया तो हम तुम्हारा सर काट देंगे। अब मैं भोलेनाथ की शत्रु की खबर लूंगा। इसकी असुर तारक की? हाँ, जरा उसे भी पता चल जाए इसकी बदल है, उसकी मात बदल है। नहीं 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 नहीं, क्या जय कैलाश। कैलाशपति, किसने ये तीर छोड़ा? तुमने? मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर किसने ये साहस किया है? कुंभक मारा, देखो कौन है ये दुष्ट, किसने तीर चलाया? जय भोलेनाथ, जय कैलाश। नारायण नारायण, ये क्या धमा चौकड़ी मची है? पिता और पुत्र आपस में आंख मिचौली खेल रहे हैं क्या? नहीं मुनिवर, पिताजी और कुंभक जी मल्ल युद्ध सीख रहे हैं। नारायण नारायण, मुनिवर 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 मुनिवर, कोई नया शत्रु पैदा हो गया है। नया शत्रु? हाँ हाँ मुनिवर, अभी अभी शत्रु के तीर ने पिताजी की तलवार उड़ा दी और उसकी गदा ने मार मार कर मेरा सर पिला कर दी। नारायण नारायण, इतनी बड़ी शक्ति है उसकी। तारक राज, कहीं कैलाशपति को दूसरा पुत्र तो पैदा नहीं हो गया? दूसरा पुत्र? हाँ, नमस्कार। नारायण नारायण, पार्वती को दूसरा पुत्र? ये जब तक कैलाश पर है मेरे लिए सदा भय। मैं दानव रक्तबीज, जाओ पार्वती को कैलाश से उठा लाओ। तारकासुर बड़ा बलवान है। हाँ, हाँ, हाँ। क्या हुआ, अगर तारकासुर असुरों का सरदार है तो मैं भी छेछे माताओं का वीर पुत्र हूँ। मैं अभी जाकर उस राक्षस की हड्डी पसली ठीक कर दूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम अभी बच्चे हो। मैं बच्चे हूँ? नारायण नारायण, प्रणाम मुनिवर। तुम तो बच्चे हो। देवर्षि समझाइए ना कुमार को, ये तारकासुर से लड़ने जा रहा है। हाँ हाँ मुनिवर। हरे हरे हरे, तारकासुर से लड़ने? नहीं 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 नहीं। वाह मुनिवर, लड़ने मैं जा रहा हूँ और पसीना आपको छूट रहा है। हाँ, इसलिए कि कहाँ वो असुरों का सरदार और कहाँ तुम। तो क्या वो मुझसे भी बलवान है? तुम तो अभी बच्चे हो। तो मैं बच्चा हूँ। हाँ अच्छा, तो मैं बच्चा हूँ। मैं बच्चा हूँ। मैं गिर जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम बहुत बड़े हो, तुम बहुत बड़े हो, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? अरे बचाओ बचाओ बचाओ, ये बालक तो बहुत बलवान है। अच्छा अब कहिए मैं बच्चा हूँ। नहीं नहीं, तुम तो बहुत बड़े बलवान हो। अब कहिए मैं तार का सुर को मार सकता हूँ कि नहीं? अरे एक तार का सुर क्या, तुम तो हजारों तार का सुर मार सकते हो। सैनिक महादेवी पार्वती को लिए जा रहे हैं कुमार। महादेवी पार्वती का जय कैलाश। कैलाश पति, शिव शंकर, भोलेनाथ, कैलाश पति, भोलेनाथ।
कितना रमणीय स्थान है, यहाँ रहती आप? हाँ। कौन सी जगह है ये? ये कैलाश, कैलाश देवादि देव महादेव की पवित्र भूमि, धन्य भाग्य है मेरे। महावीर बालक कहाँ रहते हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? कार्तिकेय, नक्षत्र लोक का वासी हूँ मैं। धन है वो जननी जिसने तुम जैसे सपूत को जन्म। जय जगदम्बु, जय माता भवानी। नमस्कार देवशी। प्रणाम मुनिवर। कुमार आओ चलो। कहाँ ले जा रहे हैं सर? इसकी छह छह माताएं इसके बिना व्याकुल हो रही हैं। छह छह माता है? नारायण नारायण, जन्म देने वाली नहीं पालने वाली। कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों बेटा, कौन है तुम्हारे माता पिता? पिता? पिता क्या देवशी, पिता किसे कहते हैं? कौन है मेरे पिता? तुम्हारे पिता है कैलाशपति, भगवान भोलेनाथ। मेरा ला, मेरा बेटा मुनिवर। हाँ पार्वती नंदन, कुमार कार्तिकेय यही है तुम्हारी माँ। माँ मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा बेटा। जय कैलाश, मेरा बेटा। जय शिव शंकर, मेरा लाल, लाल, मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा बेटा। मेरे विचार से तो सारा विश्वासघात उस चोटी वाले का किया हुआ है। तुम्हारा मतलब नारद? हाँ हाँ महाराज, वही नारद। और मेरी तो शंका है कि उस बालक की रक्षा में भी उसी का हाथ होगा। हाँ हो सकता है। सुमनि सुम, जाओ उस नारद को पकड़ लाओ। नारायण नारायण, दानवराज नारद को पकड़वा के लाने की आवश्यकता कैसे पड़ गई? नारद तो सदा आपके निकट है। मैं तो मुनिवर। अश्रेश्वर, आप जानते थे कि कैलाशपति का पुत्र जीवित? हाँ मैं जानता था। फिर भी अब तक चुप रहे? चुप ना रहता तो क्या करता। विकराल और महाकाल आपके सेनापतियों ने जब ये कह दिया कि वो मर गया, तो फिर भला मैं ये कहने का साहस कैसे कर सकता था कि वो नहीं मरा? महाराज मुझे भी तो अपनी जान प्यारी है। कुंभक, हमारी सेना लेकर जाओ और उस तपोले को पकड़कर हमारे सामने लाओ। नारायण नारायण, 7 वर्ष के बालक को पकड़ने के लिए असुरपति की विशाल सेना, जब घंसेगा महाराज? मुनिवर ठीक ही कह रहे हैं त्रिलोकपति, उसे बल से नहीं छल से पकड़ना चाहिए। छल से? ठीक, तुम वेश बदल कर जाओ। जो आज्ञा महाराज। नारायण नारायण, कुंभक जी अवश्य वेश बदल के जाओ, परंतु कोई ऐसा वेश बदलना जिस पर कैलाश वाले विश्वास कर सकें। हो सकता है तुम्हारी यात्रा सफल हो। नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए मुनिवर। आशीर्वादम अष्टपुत्री सौभाग्यवती भवम। प्रणाम मुनिवर, मुझे भी तो आशीर्वाद दीजिए ना। हैं तुम्हें, तुम्हें तो मुझ जैसा वर मिला हूँ। अच्छा ये तो बतलाओ, कार्तिकेय कहाँ है? यही कहीं खेल कूद रहा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, खेलने कूदने के दिन है, चलो तुम भी खेलो हम भी खेलें। तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी? मृग नैनी। मृग नैनी, मैं हूँ गजगामिनी। कहाँ गई, कहाँ गई मृग नैनी? अरे मुनिवर आशीर्वाद तो दीजिए। अच्छा अच्छा आशीर्वाद, बोलो क्या चाहिए, जल्दी कहो। ही क्या कर रही हो, जल्दी कहो ना क्या चाहिए। मुझे आप जैसा वर मिलम। मुझ जैसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मृग नैनी कहाँ गई? मृग नैनी, मृग नैनी कित जाए, हाय मृग नैनी कित जाए, कित जाए कित जाए, हाय देख के तेरा सुंदर मुखड़ा, देख के तेरा सुंदर मुखड़ा मुख से निकले, हाय 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 मृग नैनी कित जाए। नैन रसीले होठ रंगीले, नैन रसीले होठ रंगीले मुख पे लट लहराए, हाय नैन रसीले
रसीले होठ रंगीले मुख पे लट लहराए देख के तेरी चाल मद भरी मन में ललचाए है ठुमक ठुमक ठुम रुनक झुमक झुम पायल तोरी गाए हाय रे हाय मृग नैनी कित जाए कित जाए कित जाए कित जाए मृग नैनी कित पग के चंचल पायल तेरे पग के चंचल पायल बोले जब छन 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 तेरे पग के चंचल पायल बोले जब छन छन अरे सुंदर ना जाने क्यों तब डोले मेरा मन हाय लाख मनाऊं हूं एक न माने तड़प के बोले जा मेरी मैं तेरा तू बन जा मेरी मैं तेरा बन जाऊं मतवाला अरे बन जा अरे भी बन जा अरे नहीं बनती ना हो गर विश्वास तुझे तो ये ले कंठी माला अरे ले ले अरे ये ले अरे ले ले कंठी माला हाय ले तन पूरा ले खड़ताला ले तन पूरा ले खड़ताला पिला प्रेम का प्याला अब तो पिला प्रेम का प्याला तेरा मुखड़ा बोला माला मेरे दिल पे डाका डाला अरे बिल्कुल 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 है जपते नाम कहीं तेरा प्रेमी मर ना जाए कित जाए कित जाए कित जाए कित जाए हरि ओम नमो शिवाय मृग नैनी कित जाए हरि ओम नमः शिवाय मृग नैनी कित जाए हरि ओम नमः शिवाय मृग नैनी कित जाए हरि ओम नमः शिवाय मृग नैनी कित जाए अरे पंग नंदी मुझे नहीं पहचाना मैं देवर्जी हूँ देवर्जी देख वो रही वीणा ये रही माला मुझे प्रणाम कर प्रणाम करूँ हर देव ऋषि हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी करता हूँ नंदी लगा के पास तारकासुर के पास हमारे महाराज की हंसी उड़ा रहा है वो तेरा सर तोड़ दे मैं तेरा सर अभी तोड़ सकता हूँ तू मेरा सर क्या तोड़ेगा जिसने मेरा नाश करने के लिए जन्म लिया है अच्छा तो अपनी मौत से बचने के लिए मुझे बंदी बनाकर यहाँ लाया गया है अवश्य और तुम अपने को बचा लोगे क्यों नहीं हम इस नन्ही सी चिंगारी को एक भड़कती हुई ज्वाला में बदलने से पहले ही मसल कर राख कर देंगे पिताजी, क्या कर रहे हैं आप? तू क्या तुम हट जाओ मित्र नहीं नहीं ये तुम्हें मार डालेंगे जो स्वयं मौत से डर रहा है वह मुझे क्या किंतु आप क्यों इस नन्हे बालक के खून से अपने हाथ रंगना चाहते हैं इसलिए कि आज अगर छोड़ दूंगा तो कल ये मेरे खून से होली खेलेगा हट जाओ मित्र अपने इष्ट देव की भक्ति में विश्वास रखो मुझे कुछ नहीं होगा आप स्वयं हैं मैं भूल गया था प्रभु
जाओ, आपकी शक्ति बलवान नहीं है मेरी भक्ति। तेरी भक्ति का।
नाम भोलेनाथ का सारा जग गाता रे, नहीं कोई रानी ऐसा नहीं कोई दाता रे, नाम भोलेनाथ का नाम गौरीनाथ का नाम भोलेनाथ का नाम गौरीनाथ का नाम भोलेनाथ। बंद करो, बंद करो ये पूजा, हमारे शत्रु की पूजा। तुम माँ बेटे मिलकर मुझसे विद्रोह कर रहे हो। भक्ति को विद्रोह न कहिए नाथ। भक्ति से मेरा शत्रु है। स्वामी, पिताजी, स्वामी, स्वामी, पिताजी। मैंने सुन के ये दुर्दशा। अरे अरे देख क्या रहे हो, जल्दी खोलो बेचारे सुमनी सिंह को, खोलो। शत्रु को पकड़ने गए और खुद बंदी बनकर आ गए। शर्म नहीं आती महाराज, देखने में तो वो बालक है किंतु हमसे सौ गुनी ताकत रखता है। तो क्या वो सबला मुझे डटकर ही रहेगा? नहीं, कभी नहीं कहूंगा महाराज। छल कपट प्रपंच कुछ नहीं करो, कल सूर्योदय के पहले कार्तिक का स्तर काट कर ले। महाराज, महाराज जब उसे यहाँ लाकर अपने चंगुल में फंसा कर भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके तो फिर कैलाश पर जाकर उसका सर काटवाना कैसे हो सकेगा? हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हमें उसका सर चाहिए। तो नहीं लाश का, हम तुम्हारा सर काट डालेंगे। हमें कार्तिकेय का सर चाहिए, कार्तिकेय का सर। स्वर्ग का वैभव छोड़ तोड़ अपनों से नाता, सत्य के पथ पे चला धर्म का रखवाला, ढूंढ रहा है प्रभु को अपने त्याग मान अभिमान के सपने, लिए प्रेम का प्रबल सहारा मिला भक्त भगवान से अपने, छाया मन में उजियाला सत्य के पथ पे चला धर्म का रखवाला। लाख आज यहाँ कैसे? तुम्हारे दर्शन करने चला आया हूँ। तेरे पिता ने तुझे यहाँ आने कैसे दिया? पिता तो क्या, संसार का कोई बंधन मुझे तुम्हारे पास आने से रोक नहीं सकता। लाख पता लग गया? नहीं महारानी जी, राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया मेरा लाल? देखा, ये है पर्वतवासियों का महल, नहीं तो ये है आत्म शांति का मंदिर, और ये है मेरे बैठने और सोने की जगह। तू चिंता ना करना, देख मैंने तेरे लिए यहाँ रेशम की गद्दी और फूलों की सेज का प्रबंध किया है। रेशम की गद्दी और फूलों की सेज? अच्छा, तो मुझे जबरदस्ती मेहमान बनाकर यहाँ से भगा देना चाहते हो? नहीं तो उस रेशम की गद्दी पर तुम सो जाओ, मैं तो इसी बिछौने पर सोऊंगा। वहाँ कैसे सो सकोगी? मैं यही सोऊंगा। अरे पीठ पर छाले पड़ जाएंगे। पड़ने दो, रात भर नींद नहीं आएगी। और कुछ? अब कैसे समझाऊं तुझे? एक रात तुम उस गद्दी पर सो जाओ, फिर तुम्हें भी पता लग जाएगा कि उसमें कितने कांटे हैं। बड़ा हठीला है तू, इसी हाथ में तो जीत है मेरी। जीत कैसे? यहाँ सोकर आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कैसे? ऐसी नींद सोऊंगा जो किसी भाग्यशाली को ही मिल सकती है। अच्छा बाबा मैं हारा, तुम जीते, बस। अच्छा अब तुम सो जाओ। नहीं नहीं, मुझे मेरे लाल से कोई अलग नहीं कर सकता। स्वामी, स्वामी कहाँ है मेरा लाल? मैं उसके मगर जिंदा नहीं रह सकती, जिंदा नहीं। माया, शांति रखो माया। किसकी हिम्मत है जो तारक के पुत्र का बाल भी मांगा कर सके? वो अवश्य मिलेगा। शक्ति दो कि अपना कर्तव्य निभाते समय मुंह से हाथ तक ना निकले। मैं हूं बालक नादान,
स्वर्गाधिपति त्रिलोकीनाथ तारक राज अमर हो गए। मेरा बेटा मिल गया महाबली असुर, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है? तुम्हारा बेटा भी मिल जाएगा रानी, वो देखो अपने शत्रु का कटा हुआ सर देखो, आज तुम्हारा सुहाग अमर हो गया। मंगल गीत गाओ और इन आंसुओं को खुशी में बदल दो। लीजिए महारानी जी, अपने हाथ से इस रक्त का महाराज के माथे पर विजय तिलक कीजिए। किसका रक्त? कैलाशपति के पुत्र कार्तिक का। कार्तिक का? कैलाशपति के पुत्र का? कैलाशपति का पुत्र? कैलाश, मेरा लाल, मेरा लाल। मेरा बेटा, महाराज जी का क्या तूने हत्यारे? हत्यारा ये नहीं, हत्यारे आप हैं। जो तीर आपने दूसरों का कलेजा छेदने के लिए फेंका था, उसी तीर ने अपने ही कलेजे के वास्ते बेटे ने, बेटे ने बाप के पाप को मिटाने के लिए अपने ही प्राण दे, बेटे के अपना बाप ने किए। खूनी कातिल आप हैं। खूनी मैं नहीं, तू है। बेटे की हत्या बाप ने नहीं, तूने की है, माँ ने की है। तू नहीं उसे चिपक बनाकर उसके प्राण लिए हैं। पति घात नहीं, कमलाक्ष मेरे बेटे, आज तेरा खून दुनिया पर अंगारे बनकर बरसेगा। मैं मार्ग में आने वाली हर शक्ति को मैं कुचल डालूंगा। मैं हिंसा का ज्वालामुखी बनकर सारे कैलाश को जलाकर ध्वस्त कर दूंगा। चुगली सुन रथवीज, मैं धाना सारी आसुरी सेना को कूच की आज्ञा दो और कैलाश पर तूफान की तरह टूट पड़ो। आज मैं अमर होकर रहूंगा, अपनी मौत पर विजय पाकर ही रहूंगा। मौत पर विजय तो तूने पाली बेटे, अमर वो नहीं हुए, तू हो गया मेरे लाल। आज तूने अपनी माँ की कोख की लाज रखी, माँ का जीवन धन्य कर दिया। मुझे भी अपने सपूत के साथ अपने चरणों में स्थान दे दो भोले लाल। जय कैलाश, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु। महारानी जी, हृदय में बस गया। देखो बेटा, अभी इस समय इसका स्थान कहाँ है? भक्त भगवान में समा गए, उनका जीवन धन हो गया। जय शिव शंकर, जय कैलाशपति, धन हो भक्त कमलाक्ष, तूने अपने बलिदान से असुरों का गौरव बढ़ा दिया और कैलाश की धरती सदा के लिए कलंकित हो गई। बताइए देवर्षि, मेरे मित्र का हत्यारा कौन है? कौन है वो नीच निराधम? दंड दिए बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शांति तुम्हें ही नहीं, उसकी मृत्यु से तीनों लोग शांति पाएंगे।
कौन है वो पापी? तारकासुर। तारकासुर? पिता ने पुत्र की हत्या कर दी? हाँ, उसने अपने ही हाथों से अपने पापों का घड़ा भर दिया। मैं उसे इसी वक्त। शांत हो कुमार, पापी अपनी मृत्यु का स्वागत करने अपने आप यहाँ चला आएगा। सावधान, सावधान हो जाइए कैलाशपति, तारकासुर अपनी पूरी शक्ति के साथ कैलाश पर चढ़ाई करने चला आ रहा है। तारकासुर कैलाश पर आक्रमण करने आ रहा है? महादेवी, महादेवी, तारकापति अपनी महासेना के साथ कैलाश पर चढ़ाई करने आ रहा है। कैलाशपति को समाधि से उठाए माता। नारायण नारायण, कैलाशपति को समाधि से उठाने की क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं, कैलाश पे आक्रमण हो और कैलाशपति को खबर भी न करे? नहीं, इस छोटी सी बात के लिए महारुद्र को क्यों जगाया जाए? अगर कैलाश पर भय होता तो कैलाशपति यूं शांति से समाधि में न बैठे रहते। सत्य है मुनिवर, महाकाल का प्रकोप स्वयं जागरूकता। माता जी, महारुद्र को कष्ट क्यों दिया जाए? शत्रु का सहार हम करेंगे और इस कैलाश के शिखर पर लहराता हुआ ये झंडा स्वयं आकाश में लहराता रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। युद्ध के नगाड़े बजवा, कैलाश की सेना को शत्रु का सामना करने की आज्ञा दे दे वीरभद्र। सेना नायक महारथी कार्तिकेय की जय। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। एक नन्ना दुहा बालक को असुर तारकासुर से मुकाबला करेगा? कभी नहीं होगा। भोलेनाथ, भोलेनाथ, सरासी भगवती, भगवती, माता भगवती, समाधि त्याग भगवान, समाधि त्याग भोलेनाथ। रुक जाओ महादेवी। माया मोह त्यागो महादेवी, और कुमार कार्तिकेय को तिलक करके हंसते हंसते रणभूमि के लिए विदा कर दो। ब्रह्मदेव, इसीलिए तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है और इसीलिए कुमार कार्तिकेय सुब्रह्मण्यम का अवतार हुआ है। सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय की जय। वो दुदमुआ बालक, देवताओं का सेनापति, खिलौनों से खेलने वाला हाथ, त्रिलोक विजयी तारकासुर का सामना करेगा। उस नन्हे बालक से अब क्या लड़ना? सैनिकों आगे बढ़ो और कैलाश के चप्पे चप्पे पर अपना अधिकार जमा लो। हिमालय के ऊंचे शिखर पर असुरों की विजय का झंडा गाड़ दो। बोलो त्रिलोकपति असुर तारकासुर की जय। लाक्ष, मेरे बेटे लाक्ष, आज मैं तेरे हत्यारे से तेरे खून की एक एक बूंद का बदला लेने आया हूं। बदला किससे लोगे पिताजी? मेरे हत्यारे तो आप खुद हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं। तेरी हत्या का कारण तेरी शिव भक्ति थी। आज मैं शिव के नाम को संसार से मिटा दूंगा। संसार मिट सकता है पर संसार से शिव का नाम नहीं मिट सकता। अब भी भोलेनाथ के शरण में जाकर शीष नमाओ। कैलाशपति करुणा के सागर है। चुप रह कुल कलंकनी, तू मरकर भी तारकासुर को कायरता का पाठ पढ़ाने आ गई। मैं सच्चाई की राह दिखाने आई थी, किंतु आपका दुर्भाग्य आपको विनाश की ओर लिए जा रहा। दुर्भाग्य? कैसा दुर्भाग्य? भाग्य हमारे इशारों पर चलता है। चलो।
तक तो तू मेरे पंजे से झटकता रहा, परंतु आज तेरी मौत निश्चित। मेरी मौत? मायावी, तू मुझे अपनी माया से जीतना चाहता है? अगर शक्ति है तो आ, इसे द्वंद्व युद्ध कर। इंद्रदेव जाइए, संभालिए अपना इंद्र। स्वर्ग का सिंहासन आपके बिना सुना है।